हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए एंड ए सेकंड प्लेट हैविंग ए स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। फिगर आपको दिया हुआ है। द विड्थ ऑफ ईच स्टेयर इज ए एंड द हाइट इज बी, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ए है और ऊपर वाली जो प्लेट है इसका एरिया को उन्होंने तीन इक्वल पार्ट में लिया है। जो एरिया है उसको मैं, क्योंकि ये बराबर बराबर पार्ट हैं, तो यदि ये एरिया ए है तो ये ए बाई थ्री, ये ए बाई थ्री और ये ए बाई थ्री हो जाएगा। और ये डिस्टेंस जो है ये डी है और ये डिस्टेंस यानी हाइट बी है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस पूछा है, तो इसको मैं अलग अलग यदि बनाऊँ आपको समझाने के लिए, तो ये एक होगा a बाई थ्री, ए बाई थ्री और बीच का डिस्टेंस d। एक दूसरा कैपेसिटर होगा यहीं पे, एरिया a बाई थ्री, ए बाई थ्री, इसके बराबर एरिया यहाँ पे a बाई थ्री हो जाएगा, इसके सामने का इफेक्टिव एरिया ये भी a बाई थ्री हो जाएगा, ये भी a बाई थ्री, a बाई थ्री, a बाई थ्री, a बाई थ्री रहेगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा बी प्लस डी और जो तीसरे वाला है वो थोड़ा सा और हाइट बढ़ जाता है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है, वो हो जाता है डी प्लस टू बी और एरिया इसका भी ए बाई थ्री, ए बाई थ्री ही रहेगा। और अब ये जो तीनों के तीनों हैं, ये आप देखेंगे एक साथ जुड़े हुए हैं, तो ये पॉइंट हुआ आपका x और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका y। और हेयर वी हैव टू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y, दिस इज योर क्वेश्चन। तो मैं इसको C1 मान लेता हूँ, इसका कैपेसिटेंस को C2 मान लेता हूँ, इसके कैपेसिटेंस के लिए मैं C3 मान लेता हूँ। तो C1 की वैल्यू कितनी होगी, फ्रॉम फिगर C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a की जगह a बाई थ्री हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a बाई थ्री इंटू डी, ये जो a बाई थ्री का थ्री हमने नीचे लिखा, और C2 की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट a की जगह a बाई थ्री लिखेंगे और d का लिखेंगे d प्लस बी, और C3 जो होगा ये आपका एप्सिलॉन नॉट a बाई थ्री, ये एरिया a बाई थ्री है और डिस्टेंस होगी d प्लस टू बी। अब आप देखें कि ये तीनों के तीनों जो हैं ये x और y के बीच में पैरेलल में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, समझने के लिए यदि मैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का लगाऊं, तो ये पॉजिटिव सभी साथ साथ कनेक्टेड हैं प्लेटें और नेगेटिव वाली सभी साथ साथ कनेक्टेड हैं, तो ये आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। और यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो इफेक्टिव सी जो होगा वो होगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, जो टू पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C की वैल्यू होनी चाहिए एप्सिलॉन नॉट a अपॉन थ्री डी प्लस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन थ्री डी प्लस बी प्लस एप्सिलॉन नॉट a अपॉन थ्री डी प्लस टू बी। तीनों में कॉमन देखिए क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन थ्री इज कॉमन, तो वन अपॉन डी, वन अपॉन डी प्लस बी और ये वन अपॉन डी प्लस टू बी।
अब इसके बाद एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन थ्री, और ये होगा एलसीएम लेते हैं ये जगह डी, डी प्लस बी और डी प्लस टू बी। पहले के लिए डी प्लस बी इंटू डी प्लस टू बी, दूसरे के लिए डी इंटू डी प्लस टू बी, और तीसरे के लिए आएगा डी इंटू डी प्लस बी। देयरफॉर सी की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन थ्री इंटू, और ये आएगा आपका डी, डी प्लस बी, डी प्लस टू बी, और ये वाली होगी डी स्क्वायर। इन दोनों में से पहले मैं डी प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ, तो डी प्लस बी इंटू डी प्लस टू बी प्लस डी, डी प्लस टू बी प्लस डी, तो यानी कि टू डी प्लस टू बी हो जाएगा, ये टू डी प्लस टू बी प्लस डी इंटू डी प्लस टू बी। तो ये आना चाहिए आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाई थ्री, और ये आएगा आपका डी, डी प्लस बी, डी प्लस टू बी। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, टू ए डी, ये बी है डी प्लस बी, तो ये आएगा आपका टू डी स्क्वायर, टू डी स्क्वायर, फिर आएगा आपका टू डी बी, फिर आएगा टू डी बी, फिर आएगा टू बी स्क्वायर प्लस, और यहाँ आएगा आपका डी स्क्वायर प्लस टू डी बी। तो आना चाहिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन थ्री, और ये आएगा नीचे देखिए डी, डी प्लस बी, डी प्लस टू बी सेम रहेगा, और ऊपर का देखते हैं ये होगा डी स्क्वायर और डी स्क्वायर, थ्री डी स्क्वायर प्लस टू डी बी, टू डी बी, टू डी बी, यानी कि सिक्स डी बी प्लस। और अब आप बी स्क्वायर देखिएगा, डी स्क्वायर तो आपके ऐड हो गए दोनों, ये वाला और ये वाला मिलकर आपके यहाँ पे आ गया थ्री डी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर है बचा आपका टू बी स्क्वायर। तो ये आपका इफेक्टिव सी हुआ, एप्सिलॉन ए बाई थ्री, थ्री डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी बी प्लस टू बी स्क्वायर ओवर डी, डी प्लस बी, डी प्लस टू बी। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन, एंड नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।